मध्य प्रदेश के खजुराहो में 5 से 11 दिसंबर तक शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का विरोध शुरू हो गया है। छतरपुर जिले में स्थानीय कलाकारों को 6 साल से चल रहे इस फिल्म फेस्टिवल में जगह नहीं दिए जाने को लेकर स्थानीय कलाकारों ने विरोध शुरू कर दिया है। गुरुवार को स्थानीय कलाकारों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देकर अपना विरोध किया है। इस ज्ञापन में कलाकारों ने आरोप लगाया कि खजुराहो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन फिल्म कलाकार राजा बुंदेला करते हैं और इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन अपना फंड भी देती है, लेकिन राजा बुंदेला स्थानीय कलाकारों को कोई मंच नहीं देते और मुंबई के ऐसे कलाकार बुला लाते हैं जो घर बैठ चुके हैं और खजुराहो में टपरा टाकीज के नाम पर फिल्म दिखाकर सिर्फ औपचारिकता ही अदा करते हैं। इसीलिए उन्होंने मांग की है कि स्थानीय कलाकारों को भी अपनी कला दिखाने के लिए इस मंच में जगह मिलनी चाहिए। ये एक्चुअल में जो आवेदन दिया है हमने वो जो अपना खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है इसके विरोध की बाबत है, या यूं कहें कि विरोध हमारा ये नहीं है। हम खुश हैं कि हमारे यहाँ पर शहर में, हमारे बुंदेलखंड में इस तरीके का फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे यहाँ जो कलाकार हैं इनको मंच नहीं मिल पा रहा है। आप खुद ही देख रहे हैं कि विगत 6 वर्षों से हमारे यहाँ पर फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई किसी भी कलाकार को मंच आज तक नहीं मिला। हम सब कलाकारों की एक ही मांग है कि कम से कम हमें बॉम्बे में आप एक स्थान दें, किसी फिल्म प्रोडक्शन हाउस से जोड़ें, या फिर कम से कम हमें कास्टिंग में लेके जाएं। कास्टिंग में आप हमें किसी फिल्म में ऑडिशन देने का मौका दें। बाद में अगर हमारे यहाँ से जो भी कलाकार जाते हैं उनके हुनर क्या वो है, कि अगर उनके पास हुनर है तो वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन कम से कम एक मौका देना चाहिए। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर छतरपुर में एक छोटी सी बिटिया है जिसने चाइल्ड एक्ट्रेस का अवार्ड, कम से कम 3 अवार्ड उसने जीते हुए हैं, उसको भी एक बार भी आपने नहीं बुलाया, वो हमारी लोकल की है। तो इस तरीके का ये हमारा जो आवेदन हम लोगों ने दिया है इस विरोध में है कि हम लोगों को मौका दिया जाए। अभी हम देखते हैं कि हम मैंने क्या मानते हैं शासन स्तर से इसका खर्चा भी होता है फिर भी स्थानीय लोगों को बिल्कुल शासन स्तर से भी बोलना, हम ये मानते हैं कि ये प्रॉपर खर्चा ले रहे हैं और खर्चा भी हम सब कलाकारों के नाम पर ही लिया जा रहा है। और ये स्थानीय लोगों को किस तरह से गुमराह कर देते हैं, क्या कलाकारी दिखा के क्या करके क्या कहेंगे? स्थानीय स्तर की बात करें तो एक्चुअल में जिसे हम देखते हैं कि जो कलाकार अब टीवी सीरियल्स में नहीं आ रहे हैं उनको आप यहाँ लेके आ रहे हैं और उनके नाम पर लोगों को बुद्धू बनाया जा रहा है। टपरा टाकीज एक बड़ी सी LCD लगाकर और लोगों की फिल्म दिखाकर वहाँ पर एक सर्टिफिकेट देके उनको टिका दिया जाता है और लोग इसमें खुश हैं, छोटे लोग, बल्कि जो एक्चुअल में कलाकार हैं उनका मानना ये है कि उनको प्रॉपर एक मंच मिले और मान सम्मान मिले। आपके द्वारा कौन सी फिल्म बनाई है? मेरे द्वारा कर्ज का चक्रव्यूह, प्रलोभन से बचें और जनरेशन गैप, जिनको मतलब यूपी गवर्नमेंट ने भी प्रोत्साहन दिया, झांसी में अवार्ड मिला था। इसके अलावा अपने संभाग लेवल पर प्रथम आई थी, कंपटीशन में गई थी, तो बहुत सारी फिल्में हैं जिनको अदर लेवल पर बहुत अच्छा सम्मान मिला, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो बिल्कुल भी नहीं है उतना जितना होना चाहिए।